तो भाई स्टार्ट कर दिया हमारी कार ने और कर दिया है जंप। ओ शिट गाइस, सो हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो गाइस। स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और गाइस आज का पहला शाउट आउट ये है भाई, ईद मुबारक। मेरी तरफ से भी आप सभी को ईद की बहुत 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 शुभकामनाएं और वेरी 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 भाई मैं क्या बोलूँ यार। अब भाई प्लीज़ ऑल कार्स इन ब्राउन कलर एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट प्लीज़। ओके, तो भाई आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली मैंने और आज की कार्स का कलर ब्राउन कर दिया। और तीसरा एलेक्सस एलेक्स 570 2021 लाओ। ओके, तो भाई इस गेम प्ले में आपको वो देखने को मिल जाएगी। चलो मैं आपको अब सेटअप बता देता हूँ फटाफट। तो ये देख सकते हो गाइस ऐसा सा सेटअप है आज। ओके, तो ये रही वो कार। में एक बार इसका ग्रिल मॉडिफाइड कर देता हूँ भाई, एक मिनट। ऑलराइट गाइस, तो देख सकते हो भाई ये इसका ग्रिल है और इसी में ये बहुत अच्छी लगती है। ये है अपनी लेक्सस। ओके, तो ये हमारी सारी कार्स आज देख लो ब्राउन कलर में। और इधर भी है थोड़ी बहुत, ये देखो ये रही। ओके, तो बेसिकली हमारी कार्स को जाना है इनके ऊपर से इधर। और भाई जंप करते हुए देखो, यहाँ से इस वाले जंप, इस पर जंप करना है, फिर इस पर, फिर इस पर आगे आगे और आगे वहाँ येल्लो वाले तक जंप करके जाना है यहाँ तक। और फिर यहाँ से चढ़ना, ये देखो भाई वो साइन लगे हुए हैं कि किधर हमारी कार को जाना है। और फिर यहाँ से नीचे उतरना है और ये है एक भाई तालाब सा मान लो, एक पोखर सा बना हुआ है, मतलब इसमें से कार को निकलना। और फिर ये है स्ट्रेट रोड और यहाँ पानी आता है नहीं भी आता है भाई, उसका कोई लक के ऊपर ही है। तो भाई जो देख लेना आप आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। भाई स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपने 2000 की फैमिली होने वाली है, तो भाई फटाफट आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो और वीडियो को लाइक करो और गाइज आगे तक शेयर करो, 2K फैमिली करवा दो गाइज। और चलो अब लेकर के चलते हैं। और ये है अपनी पहली कार जो कि हमारी मारुति सुजुकी स्विफ्ट। तो देखते हैं गाइज यार ये कैसा परफॉर्म करके बताती है। ये थोड़ी इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है और गाइज वैसे तो स्पीड अच्छी है कार की। ओ तो गाइज कर दिया यहाँ से इसने जंप और ये तो बिल्कुल परफेक्ट लैंडिंग। और भाई आगे से थोड़ा सा डेंट मिल चुका है कार। ओ शिट गाइज यहाँ से थोड़ा सा स्किड कर रही है हमारी कार। अब पता नहीं भाई आगे क्या होने वाला है। ओके, तो भाई कर लिया है पिकअप, ले ली कार ने और भाई पहुँच गई भाई तीसरे वाले तक भी। भाई यहाँ भी थोड़ी स्किड कर रही है और मैं सोच रहा हूँ यार थोड़ा सा, चलो चलो ठीक है यार यहाँ से चली गई। ओके, तो यार ओ शिट भाई पलट न जाए कार हमारी। अरे अरे भाई 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 आराम से आराम से। ओके, तो गाइस देख सकते हो यार बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है भाई, इम्पॉसिबल टाइप का है ये चीज़। और भाई यहाँ से भी कर दिया है जंप और भाई ये लास्ट एंड फाइनल येल्लो वाला आ चुका है। ओके, तो आगे से देख लो भाई गाड़ी की कंडीशन हो चुकी है ख़राब। तो चलो चलते हैं और यहाँ से अब हमें करना है यू टर्न मारना है एक तरीके से। और भाई ये देख सकते हो यहाँ आ गया है अपना जो बम है, मतलब बम्पर टाइप है, तो यहाँ से एक खड्डा सा है भाई यहाँ पे बीच में। ओके, तो देखो भाई पूरा अंदर से घुसकर और भाई अब नेक्स्ट लेवल चैलेंज है। और ये है भाई यहाँ देख लो पानी बहुत ज़्यादा है भाई, कार हमारी स्ट्रगल कर रही है अभी भी भाई, पहुँचने वाली ही है। ओ शिट गाइस ये देख सकते हो भाई बिल्कुल क्लोज आके हमारी कार हो गई है बंद। पहले मैं इसको एक बार बाहर निकाल लेता हूँ। और अरे गाइस, तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया और गाइस देख लो कितना बिल्कुल क्लोज आकर कार हमारी हो गई है बंद। और आगे से आया बहुत तगड़ा सारा डेंट, ये देख लो भाई आगे से। ऑल राइट, तो गाइस देख सकते हो इस तरीके का आया चैलेंज। चलो चलते हैं लाते हैं दूसरी। ऑल राइट गाइस, तो अब दूसरी हमारी कार है, ये है हमारी हुंडई की ऑरा। और देखते हैं भाई ये कर पाती है या नहीं कर पाती। भाई इसकी स्पीड है ना बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है ये कर जाएगी क्योंकि गाइस इसमें स्पीड है ना वो बहुत ज़्यादा है। अब देखते भाई क्या होता है। ये देख सकते हो यहाँ से तो कार ने चढ़ना स्टार्ट कर दिया और भाई लंबा सारा, ओ शिट गए यार, यार भाई साहब बाल बाल बच गए हमारी कार। नहीं तो भाई ओ यार इसमें तो स्पीड इतनी ज़्यादा है भाई, ज़्यादा स्पीड होना भी थोड़ी प्रॉब्लम की बात है। अरे भाई आराम से यार इसको तो भाई बहुत बहुत नाजुक तरीके से लेकर के चलना पड़ेगा भाई। देखो भाई बहुत ही है ना एक्सट्रीम टाइप का वो है भाई, इम्पॉसिबल सा है एक तरीके से। तो ये देख सकते हो भाई कितना जंप ले रही है हमारी कार भाई, मैं तो इसको मतलब यार क्या ही बोलूँ, बहुत आराम से लेके चलना पड़ेगा मुझे। और भाई अब तो हमारी वो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली चीज़ थी ना वो निकल गई है। अब यहाँ से ये देख सकते हो इस गड्ढे में भरा है पानी, यहाँ से निकल गई हमारी कार। अब भाई नेक्स्ट ये वाला लेवल है, यहाँ से निकल गई तो हो जाएगी। ओके, तो भाई स्पीड भाई इस जगह इसकी स्पीड काम आई और गाइज हमारी पहली कार है जिसने कि कर दिखाया है। और ये है हमारी हुंडई की ओरा। चलो इसको हम यहाँ खड़ा कर देते हैं, लाते हैं दूसरी कार को। एक बार मैं आपको इसके डेंट बता देता हूँ आगे से कि डेंट किस तरीके की। ये देखो गाइस आगे से पूरी चिपक, मतलब चिपक गई है थोड़ी बहुत आगे से और कांच भी टूट गया। चलो चलते हैं लाते हैं कार को। ऑल राइट गाइस, तो अब हमारी लास्ट एंड फाइनल है इस सेगमेंट की कार और ये है हमारी क्या नाम है, कौन सी कार है भाई, हाँ तो ये है हमारी हुंडई की i20। तो भाई देखते हैं ये कैसा कमाल करके बताती है। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आपको कर देना है। ओ भाई यार
भाई मुझे लगता है ये तो पहले ही फेल हो जाएगी, क्योंकि गाइस इससे तो भाई ये टू व्हील ड्राइव है सबसे पहला, और दूसरी भाई इसमें इतना पावर एक्सपेक्टेबल वाला पावर नहीं है। ओके तो ये देख सकते हो भाई यहाँ इसका तो दम निकल गया भाई, मुझे लगता नहीं है ये जा पाए। ओके तो भाई भाई जा रही है यार, इसके तो दिल पे लग गई भाई। तो ये देख सकते हो भाई कर दिया है जा, रे 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 भाई अब नहीं चढ़ पाएगी, अब नहीं चढ़ पाएगी भाई, पूरी ही डूब गई, अब क्या चढ़ेगी। ओके तो गाइस ये देख सकते हो भाई, मैं निकालता हूँ एक मिनट। ऑलराइट गाइस, तो मैंने आपको बोला था ना यार ये इसको मैंने निकाल लिया, इम्पॉसिबल टाइप का है भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा मुझे और अपनी कार्स को। और ये आगे से देख सकते हो भाई डेंट वेंट थोड़ा बहुत आया कार में उस तरफ राइट साइड के टायर में। ओके तो चलते हैं लाते हैं कार को। ऑलराइट गाइस, तो अब आ चुका है हमारे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट का नंबर और उसकी हमारे पास पहली कार है, ये है हमारी हुंडई की क्रेटा। और भाई मुझे इससे थोड़ी बहुत आस है क्योंकि भाई ये अच्छा परफॉर्म करके बताती है। और ये देख सकते हो भाई यहाँ से थोड़ा सा टच हो गया, बट यार कार में फोर व्हील ड्राइव का पावर है तो भाई आराम से निकल जानी चाहिए कार। ओके तो फर्स्ट वाला पार कर लिया है और सेकंड वाले में थोड़ा बहुत डेंट आ चुका है कार में। भाई ये ऐसे स्किड नहीं करेगी क्योंकि मुझे पता है यार कार में है पावर। और भाई भाई आराम से निकल जा रे भाई भाई। ओके यार तो देख लो गाइस ये भी हो चुकी है फेल, गिर गई पानी में यार, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इम्पॉसिबल सा है। निकालता हूँ पहले इसको बाहर। ऑलराइट गाइस, तो देख सकते हो मैंने इसको बाहर निकाल लिया है, हमारी क्रेटा फर्स्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट सॉरी उसकी कार हो चुकी है फेल, लाते हैं दूसरी कार को। ऑलराइट गाइस, तो हमारे पास हुंडई की है दूसरी कार और ये है हमारी हुंडई की वेन्यू। भाई इसकी एक खासियत है ये बहुत तेज, जैसे ओरा का पावर है ना भाई उस हिसाब से पावर है भाई कार में, भक्ति बहुत तेज है। अब देखते हैं गाइस आगे क्या होता है, ये देख सकते हो यहाँ से तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। ओके तो फर्स्ट जंप तो भाई कर, ओ भाई और ओ शिट शिट शिट, अबे यार क्या हो क्या रहा है भाई आज यार। चलो मैं निकाल लेता हूँ पहले इसको मैं। ऑलराइट गाइस, तो देख सकते हो यार ये कार भी हो गई फेल, पावर बहुत था कार में, आगे से आया थोड़ा बहुत डेंट। लाते हैं दूसरी कार को और देखते हैं भाई वो क्या करके बताती है यार, ये तो भाई फेल हुए ही जा रही है कार हमारी। ऑलराइट गाइस, तो अब बारी आ चुकी है हमारी नेक्स्ट है कार की और ये है भाई हमारी टाटा की नेक्सॉन। और गाइस ये इंडिया में तो 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है वैसे तो गाइस कार, बट यार देखते हैं इस चैलेंज में कर। ओके तो यार मस्त लैंडिंग की है भाई फर्स्ट में इसने, और ये भी भाई शानदार लैंडिंग के साथ हमारी कार आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। और भाई ये भी कर दिया इसने, ओके तो भाई मुझे लगता है ये कर जाएगी। और भाई यहाँ भी कर दिया भाई, सबसे मेन बात है ना भाई यहाँ पानी भी आ जाता है तो उससे टायर स्किट होता है, तो ये देख सकते हो भाई यहाँ भी कर गई हमारी कार भाई, ये लास्ट वाला रैंप है। ओके तो भाई ये भी कर गई भाई, अब तो भाई मुझे लगता है कर जाएगी, पर भाई अभी तो कहाँ कर जाएगी यार, अभी तो लास्ट एंड फाइनल में जब वो पानी आएगा ना उसका अगर लेवल ज़्यादा हुआ तो भाई नहीं कर पाएगी ये कार। अब देखते भाई क्या होता है आगे, भाई इसमें पानी भरा हुआ है मतलब आगे भी पानी होगा, तो भाई ओके तो भाई पानी तो भरा हुआ है। ओके तो मैं फुल स्पीड में लेकर के जा रहा हूँ, निकल जाएगी कार हमारी। ओके अभी तक स्टार्ट है, ठीक है पहुँचने ही वाली है। और भाई साहब भाई बिल्कुल क्लोज आके हमारी कार हो गई है बंद, यार निकाल लेता हूँ पहले मैं इसको। तो भाई लक देख लो कार का, बिल्कुल क्लोज आके और भाई बंद हो गई हमारी कार, कोई भी डेंट नहीं आया कार में, बढ़िया लक की बात है। चलो ठीक है चलते हैं लाते हैं दूसरी कार को, ये भाई हो गई है फेल। भाई एक एक करके सारी कार हमारी फेल हुए जा रही है यार, क्या होगा भाई, इतना इम्पॉसिबल टाइप का चैलेंज है ना भाई ये। भाई मुझे खुद को आज रियलाइज हो रहा है कि भाई किस तरीके का रैम बना दिया यार मैंने, बट यार करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसी को कहते हैं भाई चैलेंज। और भाई हमारी किया ने कर दिया है स्टार्ट, और भाई देख सकते हो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है हमारी कार स्ट्रगल का। ओ भाई यहाँ पर थोड़ा सा इसको फोर्स लगाना पड़ रहा है, मैं 4x4 अरे यार 4x4 लगाने के बाद भी भाई स्किट हो रही है हमारी कार भाई, क्योंकि जब पानी का वेव ज़्यादा होती है तो यहाँ तक आ जाता है पानी और फिर कार के टायर स्किड करने लग जाते हैं। तो भाई ये देख सकते हो अब यहाँ से भी कर दिया हमारी कार ने जंप और भाई निकल जाएगी शायद, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और भाई थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस कार को भाई, पता नहीं क्यों इसके टायर भाई ज़्यादा स्किड कर रहे हैं। और भाई ये देख सकते हो भाई मैं बता रहा था जैसा आपको कि पानी आ जाता है तो यहाँ पे देखो भाई कार के टायर्स के पास पानी है भाई, स्किड कर रही है, 4x4 भी लग चुका है भाई बट फिर भी स्किड किए जा रही है। और भाई मुझे लग ओके तो भाई कर दिया है हमारी कार ने वो भी पार और यहाँ से तो भाई आराम से हो गई है पार। तो चलो ठीक है अब मेन चैलेंज है भाई वो पानी को पार करने का, भाई अगर उसको कर जाती है ना तो भाई हमारी किया की सेल्टोस जीत जाएगी भाई। तो भाई देखते हैं अब आगे नसीब में क्या है किया के। अब यार यहाँ तो देख लो मैं एक बार आपको खड्डे में, ओके तो भाई खड्डे में पानी थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत नहीं है और आगे भी भरा हुआ तो है पानी। ओके तो भाई कार ने लगा दी है डुबकी और भाई स्ट्रगल करती हुई निकल गई भाई साहब, भाई देख सकते हो आपके ओ भाई 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 आराम से भाई देख सकते हो आपके सामने
हमारी किया ने करके दिखा दिया इस चैलेंज को पार। तो भाई किया के लिए एक लाइक तो बनता है भाई। ओके तो भाई देख सकते हो गई हमारी कार पार। चलो ठीक है अब चलते हैं लाते हैं दूसरी कार को। भाई माइकल को देख लो कितना खुश हो रहा है। ऑलराइट गाइस तो अब आ चुकी है हमारी एसयूवी सेगमेंट की बारी और उसकी पहली कार है हमारे पास ये है हमारी महिंद्रा की स्कॉर्पियो S11। और भाई देखिए देखो भाई इसमें सबसे जोर लगते हैं भाई 1000 lamps। ओके तो भाई देख सकते हो मैंने स्टार्ट कर दिया भाई इसमें भी पावर तो खूब है यार। मतलब यार बहुत अच्छे से चल रही है कार भाई। मुझे फीलिंग ऐसी आ रही है कि भाई वाइब्स आ रही है मुझे कि ये कर जाएगी कार। पर यार देखते और देखो कितनी फिनिशिंग से भाई कार मस्त तरीके से जंप। अरे भाई 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 आराम से आराम से। तो भाई देख लो कितनी फिनिशिंग और आराम से कार जंप किए जा रही है। जैसे इसके सामने ये जो रैंप है वो कुछ भी नहीं है भाई, इसका पावर ही इतना है भाई। स्कॉर्पियो तो भाई नाम से जानी जाती है यार, इसको तो मतलब कहीं भी ले जाओ यार। ओके तो भाई देख सकते हो भाई पावर है कार में, एक भी जगह ग्लिच नहीं हुई है कार हमारी। और अब देखते भाई आगे क्या होता है। ये देख सकते हो यहाँ से तो कर दिया है एक चैलेंज तो पार। अब दूसरा चैलेंज पानी वाला है भाई, जंप वाला कर दिया है इसने। पानी वाले चैलेंज में देखते भाई क्या करके बताती है भाई। पानी तोड़ा भाई यहाँ तो बिल्कुल ही कम है। आगे देखते भाई यहाँ भी नहीं है शायद। ओके तो फटाफट निकाल लेता हूँ। ओके तो भाई यहाँ था पानी बट यार आगे था और इतना भी नहीं था हमारी कार जो सारी डूब जाए। ओके तो और भाई वैसे भी एसयूवी कार्स थोड़ी बड़ी आती है ना, मतलब उसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा आता है। तो देख सकते हो गाइस हमारी स्कॉर्पियो S11 ने करके दिखा दिया है। तो भाई चलते हैं लाते हैं दूसरी कार को और देखते हैं उसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। ऑलराइट गाइस तो अब बारी आ चुकी है हमारी दूसरी कार की और भाई ये है हमारी महिंद्रा से ही आने वाली महिंद्रा की थार 4x4। भाई इसका ग्राउंड क्लियरेंस तो बहुत अच्छा है ये देख लो गाइज। और भाई मुझे लगता है ये यहाँ से भी आराम से कर जाएगी स्कॉर्पियो की तरह, क्योंकि गाइज यार मतलब यार एक तरीके से ऑफ रोडिंग की किंग माने जाने वाली कार है भाई ये। और भाई ये देख लो आपके सामने कितनी फिनिशिंग से कर रही है हमारी कार भाई। कहीं भी इसका टायर एक भी जगह स्किड नहीं हुआ। आप देखो पानी में गिर गई ना फिर भी टायर स्किड, क्योंकि भाई पावर ही इतनी आती है भाई कार में। और भाई मैं तो 4x4 में लेकर के चल रहा हूँ तो भाई डबल पावर में चल रही है एक तरीके से कार। ये भी एडवांटेज रहता है हमारी एसयूवी और 4x4 ऑफ रोडिंग टाइप कार्स का। ओके तो ये देख सकते हो अब भाई जंप वाला ओ भाई साहब पूरी डूब गई, मतलब आगे पानी बहुत खतरनाक होने वाला है भाई। फट जोर से लेकर के चलता हूँ मतलब पूरी स्पीड से और भाई कार डूब चुकी है भाई, निकल जाएगी बहुत क्लोज है भाई साहब। ये देख लो भाई इंजन पूरा ऊपर आ गया, मतलब मट्टी के आसपास पहुंच चुकी थी कार। बट यार हो गई है फेल, निकालता हूँ बाहर भाई। इतना क्लोज पहुंचने के बाद ना बहुत मतलब फील सा होता है यार, मतलब यार ये पास हो जाती तो कितना अच्छा रहता ना। बट यार क्या कर सकते हैं भाई, किस्मत है ये तो कार की। ओके तो देख सकते हो गाइस हमारी कार हो गई है फेल भाई, डेंट कहीं भी नहीं आया। लाते हैं दूसरी कार। राइट गाइस तो भाई पहले हम लेके चलेंगे एंडेवर, क्योंकि गाइस ये स्किड कर रही थी थोड़ी थोड़ी, आपको पता ही है इसका वो। तो भाई इसलिए मैंने इसको थोड़ा फॉर्च्यूनर को पहले लगाया था ताकि स्किड ना करे और नीचे ना जाए भाई। मुझे इससे उम्मीद बहुत कम है क्योंकि गाइस एक तो भाई बहुत भारी कार है और देखो दूसरी बात आपको अभी पता चल जाएगी, अभी देखना ये देख सकते हो। अब अगर ये टायर इसके स्किड ना करे ना तो मेरा नाम चेंज कर देना भाई। ये देखो भाई बहुत ही ज़्यादा स्किड करती है हमारी ये कार, बहुत ही ज़्यादा। अब देखो यहाँ सपोर्ट मिल जाएगा ना फिर भी भाई देख सकते हो आपके सामने भाई बहुत ज़्यादा स्किड करती है कार। तो देखो स्किड करती 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 पानी में डूब जाएगी कार कार, मतलब इसका तो इसे चैलेंज करने का कोई मतलब ही नहीं रहा। फिर भी गाइज मैंने ले ली कार क्योंकि आप बोलते कि वो कार नहीं है वो कार नहीं, तो चलो पहले मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। ऑलराइट गाइज तो मैंने देख लो इसको बाहर निकाल लिया है और मुझे पता था, देखो भाई अभी भी धीरे धीरे स्किटी कर रही है, पता नहीं क्या ही वो है इसमें ग्लिच। चलो कोई ना गाइज चलते हैं लाते हैं दूसरी कार को। ये तो भाई हो चुकी है फेल, इसका तो ना ही मानो टेस्ट तो ये समझ लो भाई। ऑलराइट गाइज तो अब बारी आ चुकी है हमारी ओल्ड फॉर्च्यूनर की। और गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं भाई, किन्हीं चीज़ों में एडवांटेज रहता ना तो उन्हों में डिसएडवांटेज भी रहता है। तो भाई आप समझ रहे होंगे कि भारी कार से कट जाएगी, तो अभी देख लेना गाइज आप भारी कार से। और दूसरी बात कितनी लंबी कार है भाई, ऊपर से दिख रही होगी। ये देखो गाइज सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इस भारी कार्स में कि ये जो ऊपर चढ़ती है ना भाई, बहुत ऐसी कम कार होती है जिनमें अच्छा परफॉर्मेंस अच्छा इंजन विंजन अच्छा होता है सब कुछ। तो ये देख सकते हो धीरे धीरे स्किड करती करती भाई चली जाएगी नीचे। मैं कोशिश करूंगा इसको घुमा के लेकर के, ये देखो भाई स्किड कर रही है ना, अब मैं इसको कोशिश करता हूँ घुमा के बैक लेके चलने की। तो बैक में भी देखो आराम से यहाँ तक तो चली गई, अब देखो वहाँ से वापस स्किड करने लग जाएगी। अब भाई देख सकते हो भाई, अब देख लो अब तो भाई पानी में ही चली गई, अब तो बंद हो जाएगी कार। तो देख सकते हो भाई इस तरीके से ये भी हो गई फेल, निकालता हूँ बाहर। ऑलराइट गाइस तो मैंने इसको देखो बाहर निकाल लिया है किन्हीं तरीके से, ये कैसे जैसे वहाँ तक तो पहुँची, बट आगे से इसका थोड़ा बोनट और इन पे डेंट आया। चलो ठीक है चलते हैं, फेल हो गई लाते हैं कार को। ऑलराइट गाइस तो अब
बारी आ चुकी है हमारी टोयोटो लेजेंडर की। और भाई इसके मेरे को DRLs है ना बहुत अच्छे लगते हैं, ओ सॉरी DRLs बोल रहा हूँ मैं, 1000 lamps बहुत अच्छे लगते हैं। अब देखते हैं गाइज ये कैसा परफॉर्म करके बताती है यार। ये देख सकते हो ये है अपनी लेजेंडर। ओके तो यहाँ से देख लो यार, हो भाई कर दी जंप इसने। ओके तो ये देख सकते हो भाई लंबी कार है और भारी भी है भाई, बट ओल्ड वाली फॉर्चूनर से ना बहुत अच्छा इंजन है यार इसका। ये देखो टायर इतने स्किड नहीं कर रहे जितने उसके कर रहे थे। ये देख सकते हो भाई यहाँ पे अपनी कार रुक गई थी, बट यार टायर इतने स्किड नहीं कर रहे भाई। ओके तो ये देख सकते हो भाई यहाँ भी आ गई हमारी कार आराम से। और भाई साहब दो जंप और बच रहे, बस दो जंप कर गए एक तो भाई, और भाई साहब गेट खुल गया यार। अब भाई इसकी ये देख सकते हो यहाँ आ गया। अब भाई मैं इसको है ना आगे से इसकी एक बार कंडीशन आपको बता देता हूँ, तो ये देख लो गाइस आगे से किस तरीके की कंडीशन हो गई। पर यार कोई बात नहीं, हमारी कार को किसी ही भी कंडीशन में भाई बंद ना हो जब तक हमें लेकर के चलना पड़ेगा। और अब यहाँ से लेना है हमें यू टर्न एज यूजल। और भाई ये देख सकते हो यहाँ आगे है गड्ढा और उसमें भरा होगा पानी। भाई साहब पानी बहुत कम है भाई, कर जाना चाहिए इस हिसाब से तो लेजेंडर को। ओके तो भाई साहब पानी ही नहीं था यार, बिल्कुल पानी नहीं था। चलो कोई ना भाई, किस्मत मैंने बताया था आपको, किस्मत किस्मत की बात है भाई। ओके तो देख सकते हो हमारी लेजेंडर ने करके दिखा दिया इस चैलेंज को पार, हो गई हमारी कार पास, तो बहुत बढ़िया बात है भाई। थोड़े बहुत आगे डेंट आए वो मैंने आपको पहले बता दिए थे। चलो ठीक है चलते हैं और लाते हैं दूसरी कार को, ये हो चुकी है पास। ऑलराइट गाइस तो आ चुकी है हमारी लैंड क्रूजर की बारी और ये थर्ड वन कार है मतलब, और इसके बाद में आएगी हमारी दूसरी कार। और भाई ये चीज़ मुझे इसमें बहुत अच्छी लगती है, बट यार इससे मेरी इतनी वो नहीं है भाई आशा, मतलब एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं है क्योंकि गाइज यार कार में उतना पावर नहीं है। देखो कितनी धीरे धीरे चल रही है भाई, और भाई पहले में इसको तो बहुत तगड़ा झटका मिल गया। अब यहाँ से अगर ये चढ़ जाए ना भाई तो बहुत बड़ी बात मानूंगा मैं। ये देख लो यहाँ से नहीं चढ़ पा रही है, मैं थोड़ा थ्रॉटल दे के भी चढ़ाता हूँ तो ये देखो यहाँ थोड़ी दूर पहुँचेगी फिर वही हालत। अब चलो यहाँ से भी मैंने कैसे जैसे निकाल देता हूँ इसको, ठीक है। ये देख लो भाई यहाँ अटक गई, अब मैं सोचता हूँ कि यार एक बार और यहाँ पास से थ्रॉटल दे के निकाल देता हूँ। ओके तो यहाँ देखो मैंने थ्रॉटल दिया और भाई अब छोड़ने वाला हूँ मैं थ्रॉटल। ओके तो छोड़ दिया, ये देखो यहाँ थोड़ी सी इसने पावर बनाई और ये गई, अरे भाई ये गई भैंस पानी में। तो देख सकते हो यार एक तरीके से भैंस ही है भाई अपनी ये, तो ठीक है कोई ना निकालता हूँ इसको बाहर। ऑलराइट गाइस तो देखो कितने अच्छे से खड़ी है भाई, आज तक इसने सिर्फ एक सस्पेंशन वाला टेस्ट पार किया है। चलो कोई ना गाइस, अब आपकी डिमांड थी इसलिए मैंने ऐड कर रखी है कार को, लाते हैं दूसरी कार को और देखते हैं उसका परफॉर्मेंस। ये हो चुकी है फेल। ओके गाइस तो भाई अब है अपनी सेकंड लास्ट कार और ये है अपनी रेंज रोवर 2022 वाला वेरिएंट है भाई। भाई मुझे लगता है ये कर जाएगा क्योंकि गाइस रेंज रोवर्स की कार है ना भाई ये, भाई बहुत। और भाई देख लो यार कितना, ओ भाई साहब बच गई भाई, नीचे नीचे नहीं नीचे नहीं भाई नहीं, ऊपर 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 भाई। यार देख लो आपके सामने भाई कितना तरीके, भाई मुझे तो बहुत डर लगा भाई ये अगर बंद हो गई तो क्या यार, मतलब फेल हो जाएंगे। तो देख लो यार कितना पावर है कार में, कितना आगे तक जा रही है। ये देखो भाई मुझे थोड़ा आराम से करना पड़ेगा क्योंकि गाइस कार में ना पावर बहुत है, जंप वाला सिस्टम तो यार कर जाएगी मुझे इस हिसाब के पावर से तो। और भाई थोड़ा बहुत पीछे से डेंट आ गया क्योंकि कार हमारी पलट चुकी थी, और ये भी कर गई और भाई ये भी कर जाएगी, ठीक है। तो ये आपको एक बार देख लो भाई इसकी कंडीशन पीछे से किस तरीके की हो गई। भाई आगे से तो इतना नहीं आया होगा, इसमें थोड़ा बहुत ही आया है बट पीछे से ज़्यादा आया क्योंकि ये पलट गई थी कार। ओके तो अब देख लो भाई यहाँ से हमें लेना है टर्न और भाई अब है अपना पानी वाला टेस्ट। भाई अगर पानी वाला कर गई ना भाई तो हमारी रेंज रोवर हो जाएगी पास। ओके तो ये देख लो यहाँ पानी है थोड़ा बहुत और आगे भी है, ओ भाई साहब पानी तो है यार यहाँ पे, और भाई स्ट्रगल कर रही है हमारी कार। ओके तो भाई इस कार की स्पीड को देखते हुए मुझे लग गया था भाई कार कर जाएगी, तो और कार ने करके दिखा दिया है। तो देख सकते हो हमारी रेंज रोवर हो गई है पास इस चैलेंज में, जो कि इस कंपनी की एक ही कार है हमारे पास और इसने करके दिखा दिया है। तो भाई बहुत अच्छा, बहुत भाई लाइक कर दो इस बात पे। चलते हैं लाते हैं हमारी लास्ट एंड फाइनल कार को। ऑलराइट गाइस तो ये है हमारी लेक्सस LX 570 और भाई देखते हैं यार ये कर पाती है या नहीं कर पाती है। भाई कार तो बहुत जोर लग रही है मुझे, फुल मॉडिफाइड है भाई हमारी लेक्सस, भाई देखते हैं ये कर पाती। भाई ये देख लो यहाँ पे थोड़ा सा इसको भाई, और एक बार आपको बता दूँ ये 4x4 में है अपने पास कार, ठीक है। तो भाई मुझे लगता है मुझे यहाँ से थोड़ा फोर्सफुली लेके जाना पड़ेगा, इसके सस्पेंशन थोड़े से इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो थोड़ा सा डल लग रहा है मुझे। और देख लो भाई कितना मतलब पावरफुल है भाई कार, मान गए भाई पावरफुल तो है कार, क्योंकि गाइस जिस तरीके से ये जंप क्लियर कर रही है ना इतनी फिनिशिंग से कर रही है भाई, मान गया मैं कि पावर है कार में। और थोड़ा सा यहाँ स्किड देखने को मिला मुझे कार टायर्स में, बट यार कर। और भाई 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 बाहर मत निकल जाना, बाहर मत निकल जाना, भाई बच गई। ओके तो भाई मेरे को तो भाई बहुत डर लगा, मतलब यार
तो भाई निकल गई कैसे करके हमारी कार। और भाई देख सकते हो आगे से इसका जो बम्पर है वो ही बहुत बड़ा सा रहा है, पूरा ग्रिल व्रिल सब जुड़ा हुआ है उससे, तो वो हिल चुका है भाई। वो कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है कार को पार करना। ये देखो गाइस आगे से हिल रहा है। ओके तो अब देखते भाई ये आगे कर पाती है या नहीं कर पाती अपने वाटर टेस्ट को क्लियर। और भाई मुझे लगता है कि ये कर जाएगी। ओके यहाँ पानी थोड़ा बहुत था और भाई मुझे स्पीडली लेके चलना पड़ेगा। ओके तो गाइस देख सकते हो कार भारी बहुत है, इस वजह से भाई पानी को पूरा चीरती हुई। ओके तो गाइस कर चुकी है हमारी कार पार। यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। 2K के बहुत क्लोज है, 2K करवा दो गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।